दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम मुसलमान हर साल बड़ी ईद पर कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी हमारे किस नबी से ताल्लुक रखती है, मतलब कि ये कुर्बानी हमारे किस नबी की सुन्नत है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में बताएं, अगर नहीं जानते तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 बार ख्वाब आया, वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। जब किसी नबी को ख्वाब आता है तो उसमें वही नाजिल होती है, मतलब अल्लाह का पैगाम आता है। दोस्तों, ये बात जहन में रखना, जब किसी नबी को ख्वाब आता है तो उसमें शैतान की कोई हरकत नहीं होती। जब तीसरी बार आपने ये ख्वाब देखकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं देख रहा हूँ आपको ज़िबह कर रहा हूँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह सुनते हुए अपने वालिद से कहा कि जब अल्लाह की तरफ से आपको 3 बार हुक्म हो चुका है तो आप देर किस बात की है, इसके लिए मैं राजी हूँ, आप अल्लाह का पैगाम माने। चुनाचा आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को एक पहाड़ी पर ले गए और वहाँ पर एक पत्थर पर आपने इस्माइल को लेटाया, लेकिन पेशानी के बल, मतलब कि उल्टा। इस बात का आपने ख्याल रखा कि ज़िबा करते वक्त आप अपने बेटे इस्माइल का चेहरा मुबारक ना देख पाएं। चुनाचा आपने अल्लाह ताला का पैगाम मानते हुए आपने छुरी चलाई। अल्लाह ताला का फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस्माइल की जगह एक जानवर को रख दो, और फरिश्ते जन्नत से एक जानवर लेके इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दिया। आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हुए आपने ज़िबा कर दिया। यूँ अल्लाह ताला का पैगाम हुआ कि ए इब्राहिम, आपकी कुर्बानी कबूल हुई, आप अपने ख्वाब पर पूरा उतरें। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी और एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। दोस्तों, हम मुसलमान हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इसलिए इस कुर्बानी को सुन्नत इब्राहिम कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है वो हमारे कौन से नबी थे जिसने पहली बार खाना काबा को तामीर किया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में बताएं, अगर नहीं जानते तो इसके लिए मैंने पूरी वीडियो अपने चैनल में अपलोड करके रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो किस मौजू पे सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके बताएं, और ऐसी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।